हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको क्लास 11 चैप्टर 5 के 5.7 से लेकर 12 तक कराने वाला हूँ, जो भी एग्जांपल। चलो हम पहले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जो हमारा 5.7 है उसे देखते हैं पहले। दोनों 5.7 एग्जांपल है। ओके, कह रहा है देखते हैं। 5.7 एग्जांपल है, वो है Determine the maximum acceleration of the train in which a box lying on its floor will remain stationary given that the coefficient of static friction between the box and the train's floor is 0.50. तो हमें पता है कि जो mass into acceleration होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है, स्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है, जो कि नहीं बढ़ाने की लेस देन होता है, इक्वल भी हो सकता है किसके, म्यू न्यू एस न्यूटन के, ठीक है, और ये इक्वल हो सकता है न्यू एस न्यूटन को हम एम जी भी कह सकते हैं, ठीक है, आपको इतना तो पता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, अगर एक्सीलरेशन होता है वो लेस देन होता है किसके, जो म्यू होता है उसके और एस जी, ठीक है, इक्वल होता है, ठीक है, तो यानी आंसर यानी इक्वल भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो ए हमारा है एक्सीलरेशन, ठीक है, या मानते हैं, ठीक है, इसका हमारी यू एस जी आया, ठीक है, म्यू एस जी, ठीक है, म्यू एस जी आया तो 0.15, तो म्यू एस जी हमारे यहाँ दे रखा है, ठीक है, और जी है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी को हम मल्टीप्लाई बाय 10 करा देंगे तो जो हमारा आएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा क्या है, फ्रिक्शन आया, ठीक है। ये क्वेश्चन ख़त्म, हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जो 5.8 है वो देखो, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसमें, ये कितना दे रखा है, 15 डिग्री दे रखा है विद द होरिजेंटल, ठीक है, होरिजेंटल होता है ये और वर्टिकली होता है ये, ठीक है। द मास जस्ट बीइंग्स टू स्लाइड, वाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, इन जो ब्लॉक है और इस सरफेस के हमें स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है। तो जो हमें 15 दे रखा है, पहले बात तो हमें 10-15 दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 15 दे रखा है, तो हम जो थीटा मानते हैं और 10 थीटा मानते हैं, ठीक है, तो हम यानी कि म्यू एस इज इक्वल टू 10 थीटा मान सकते हैं, 10 थीटा, तो 10 हमारा कितना, 10-15, तो 10-15 की बात करें, 10-15 यानी अगर 10-15 की बात करें तो ये यानी होता है 0.27 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम यानी 5.9 करते हैं। तो 5.9 क्वेश्चन है वो देखते हैं। डायग्राम भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। जो एक क्वेश्चन है वो देखो, 5.9 व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, जो इस ब्लॉक है उसका एक्सीलरेशन निकालना है पहली बात। तो ट्रॉली सिस्टम शोन इन ए फिगर 5.12a में फिगर दे रखा है, इसमें देखना हमें, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है, जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस ऑफ सरफेस इज 0.04, ठीक है, और व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो ये स्ट्रिंग है इसको टेंशन बताना है यहाँ पे, ठीक है, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, नेगलेट द मास ऑफ स्ट्रिंग, जो मेरी ये स्ट्रिंग है उसका मास क्या कर रखा है यहाँ पे, नेगलेट कर दिया इसने, तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ये 30 न्यूटन है, सिंपल 30 न्यूटन है, क्योंकि ये 3 kg इसका मास है, 3 kg मल्टीप्लाई बाय 10 जो है ये हमारा एक्सीलरेशन ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है, तो ये कितना हुआ, 30 न्यूटन हो गया, जो हमारे यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, और 20 kg का हमारा क्या है, ये बॉक्स, सॉरी ट्रॉली है, ठीक है, ये हमारा बॉक्स है, ठीक है। टेंशन अगर ये जो ग्रेविटी नहीं, ये है इस बात को याद रखना कि जो ग्रेविटी लगती है, जो फोर्स लगता है उसके अपोजिट साइड में लगता है टेंशन फोर्स, ठीक है, टेंशन फोर्स लगता है, तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें, अगर हम इसको ऐसे लिखें 30-T टेंशन, क्योंकि 30 है उसके अपोजिट साइड में है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3, सिंपल सी है, ठीक है, 3 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे हम फिगर भी दे रखा है यहाँ पे 30 न्यूटन यहाँ पे, और सीधा मैंने अभी बता दिया है, ठीक है, ये यानी काइनेटिक फ्रिक्शन है और टेंशन है जो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है।
ये बताना, ठीक है? तो हम किस इस वाली से टी माइनस फ्रिक्शन यानी काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 20 है, यानी इसको जो केजी है, ठीक है, 20 है हो गया, ठीक है। तो हम फ्रिक्शन के करेंगे, यानी फ्रिक्शन के निकालना है, तो हम सिंपल से क्या करते हैं, फ्रिक्शन के, ठीक है। तो टेन, तो फ्रिक्शन के का फॉर्मूला होता है वो यू यू के न्यूटन, ठीक है, यू के न्यूटन होता है। और हम अगर बात करें तो हम यू के निकालना है, चलो म्यू 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 के निकालना है, तो जो म्यू क्यू है वो कितना है, 0.04, सिंपल सा है, ठीक है। जो एन निकालेंगे, हम एन निकालेंगे 20 × 10, तो ये कितना आ गया, 200 न्यूटन, ठीक है, 200 न्यूटन आ गया। अब हम बात करें कि यानी कि जो हमारा टी माइनस यहाँ पे दे रखा है, तो हम बात करें इसकी टी माइनस, ये टी माइनस 0.04 क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, सरफेस एंड ट्रॉली का काइनेटिक वो दे रखा है, काइनेटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई सॉरी 200। तो हम, मैं मुझे इसको रख सकता हूँ, हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 20 ए लिख सकते हैं, 20 ए भी लिख सकते हैं, और लेना चाहो तो आप लिख सकते हैं माइनस एफ इज इक्वल टू 20 ए भी लिख सकते हैं इसको, सिंपल सर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इससे भी लिख सकते हो, ठीक है, आंसर दोनों में सेम आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो हमारा एसिलेशन है, ए है वो हमारा, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप इसको लेना चाहो तो 22/23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 0.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और हम जो टेंशन आ गया वो हमारा 27.1 न्यूटन आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, और हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, हम आगे वाला क्वेश्चन है कौन सा, हम लेंगे 5.10 क्वेश्चन लेंगे, तीन क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, 5.10 है, ए साइक्लिस्ट इज स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर, एंड जो साइक्लिस्ट है कोई भी जो जिसकी स्पीड कितनी दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, ऑन ए लेवल रोड टैक्स ए शार्प सर्कुलर टर्न, क्योंकि शार्प सर्कुलर टर्न है, ठीक है, कोई मान लो कोई भी शार्प सर्कुलर टर्न है, ठीक है, यानी कैसे मान लो वो ऐसे यानी कुछ ज़्यादा ही शार्प हो, ठीक है, ऐसे, यानी यहाँ पे कोई साइक्लिस्ट है बस जा रहा है तो ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दे रखा है रेडियस 3 मीटर, ऐसे है तो इसकी रेडियस दे रखी है 3 मीटर, तो उसका डायमीटर हो गया 6 मीटर, सिंपल जा रहा है, ठीक है। विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, यानी स्पीड को उसने कम नहीं किया बिल्कुल भी, और वो चले जा रहा है ऐसे, कितनी स्पीड से 18 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड जा रहा है, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, जो टायर्स हैं और टायर्स और रोड के बीच में हमें जो हम फ्रिक्शन लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन वो निकालना है। रोड इज एंसर दे रखा है, काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है बीच में 0.1, विल द साइक्लिस्ट स्लिप व्हील टेकिंग द टर्न, ठीक है, विल द साइक्लिस्ट स्लिप व्हील टेकिंग द टर्न, क्यों स्लिप हो जाएगा यानी टर्न लेगा तो क्या स्लिप हो जाएगा, यानी तो यानी कि हम कह सकते हैं जो वी स्क्वायर है उसको यानी कि लेस देन हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है म्यू एस और जो हमारा नॉर्मल फोर्स है और फिर ग्रेविटी, ठीक है। तो हम यानी जो हमारे जो हम आर को मानते हैं रेडियस, तो यह कितना हो गया 3 मीटर, ठीक है जी, हमारा हम यहाँ मानिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लिए। और जो म्यू एस है, म्यू एस वो हमें 0.1 दे रहा है, सिंपल सा हम निकाल सकते हैं आराम से। अब हम रखेंगे इस फॉर्मूले में रखेंगे सिंपल सा, तो हम इस फॉर्मूले रखेंगे तो जो हमारा म्यू एस है, या फिर आप इसको यानी कि जो 18 किलोमीटर पर आ रहा है इसको यानी हमें यानी मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो ये 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 20 स्क्वायर की बात करें, अगर 20 स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पे 25 आएगा, सिंपल सी बात है, 25 आएगा, ठीक है, यानी कि इसका मतलब यानी कि अब हम देखो यानी कि लेस देन हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है, ठीक है, लेस देन भी हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है, तो कैसे देखें हम,
यानी ये क्या सही है या नहीं, ठीक है। 25 तो आ गया इधर, ठीक है। हमें नहीं देखना कि लेस देन है या फिर इक्वल है। म्यू एस कितना है, 0.1 मल्टीप्लाई बाई रेडियस 3 और 9.8। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कैलकुलेटर खोल लेता हूँ फिलहाल। मल्टीप्लाई होगा 0.1 मल्टीप्लाई बाई 3 सेम मल्टीप्लाई बाई 9.8। चलो तुम्हारा मल्टीप्लाई आया जो 2.94 है, 94 मीटर, मीटर में आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितना है मीटर पर सेकंड में, ठीक। तो क्या ये बराबर, यानी कि ये बड़ा है क्या इससे? जो मान लो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की फॉर्म में है और ये हमारा वेलोसिटी में है। अगर हम देखें इनकी जो डायमेंशन है वो मास तो मास है, मीटर तो मीटर है, ठीक है। तो सेकंड है उसमें -2 है, इधर -1, ठीक है। वन ज़्यादा तो ये सिंपल सा है, ठीक है। इसमें लेकिन इतना जीन्स ने इतना पूछा नहीं था कि यानी कि इसमें इतनी सारी की हमें रखना था, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन करते हैं, 5.11। ए सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर। सर्कुलर रेस ट्रैक है, रेडियस दे रखी है 300 मीटर, डायमीटर 600 मीटर, सिंपल। इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, ठीक है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ ए रेस कार एंड द रोड 0.2 दे रखा है, व्हाट इज द, ये पूछ रहा है ऑप्टिकम स्पीड ऑफ द रेस कार टू अवॉइड व्हील एंड टीयर ऑन इट्स टायर्स एंड बी है हमारा मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग, ठीक है। यानी स्लिप होने में यानी अवॉइड, यानी कितनी स्पीड होगी जो स्लिप होगा उसको अवॉइड कर सके। तो हम वी जीरो होगी, वो होगी हमारी आर जी टेन थीटा 1/2 लिख सकते हैं हम, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है वो 15 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है। 30 मीटर बैंकड है उससे एक एंगल है 15 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आर दे रखा है 300 मीटर, सिंपल सी बात। थीटा दे रखा है 15 डिग्री, ठीक है। जी दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और जो यानी जो वी जीरो है, वी जीरो कितना आएगा, वी जीरो निकालेंगे ना। तो अब जाओ ध्यान से, हमारा 10-15 होता है वो कितना होता है, मैंने अभी बताया भी था। जो 10 जो हमारा 10-15 होता है वो यानी कि 0.27 के बराबर आएगा, 10-15, ठीक है। यानी वैसे 10-15 की होती नहीं है, 0.27, ठीक है। वी जीरो निकाल लेंगे हम, तो आर कितना है 300, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 9.8, टेन थीटा कितना हो 0.27। या फिर आप करना चाहते हो इसका रूट हो जाएगा, यानी अगर आप इस हाफ को उठाते हो आप सोच रहे हो कि ये हाफ क्या आ गया, यानी कि पावर है, अगर पावर को उठाते हो तो रूट आएगा, क्योंकि हाफ पावर होती है रूट। करता हूँ मैं कैलकुलेटर में, सिंबल तो बड़ी ज़्यादा है, 300 मल्टीप्लाई 300 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 9.8 फिर मल्टीप्लाई बाई 0.27, राइट, 7 दिया गया। और भी इसको करेंगे तो जो हमारा आ रहा है वो 28.1 आ रहा है, वी जीरो आया हमारा 28.1 मीटर पर सेकंड आया। ये सिंपल सा, ये तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। 28.1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमें जो अब हमारा है आगे कि हम मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड भी निकालनी थी, यानी कि वी मैक्स निकालना है। तो वी मैक्स के लिए हमने फटा था वी मैक्स आर जी म्यू एस प्लस 10 थीटा 1 माइनस म्यू एस 10 थीटा 1/2, ठीक है। हमें वी मैक्स निकालनी है, सिंपल से इसमें रखते जाओ। यानी आर है वो कितना है 300 मल्टीप्लाई बाई 9.8, यू एस है वो 0.27 दे रखा है, ठीक है। तो यू एस है वो 0.2, तो 0.2 दे रखा है, हाँ 0.2 दे रखा है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई जीरो प्लस, नहीं आता तो मल्टीप्लाई कहाँ जाना है,
सेकेंड नॉर्म प्लस 0.27, ठीक है, और वन माइनस यहाँ पे दे रहा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.27। अब टेन थीटा, टेन थीटा की जगह तो सिंपल सा वो आएगा ही, यानी कि 10^15 और पावर है हाफ। इसको मैं करता हूँ कैलकुलेटर। तो दोस्तों वीडियो को सुनाए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। 9.8, ठीक है, कितना आया 2940, ठीक है, इसको करेंगे तो ये आया हमारा 0.47, ठीक है, 1 माइनस, अब इसको करते हैं 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.27 इज इक्वल टू आया हमारा 0.0, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, तो 1 माइनस जी सॉरी 0.054 इज इक्वल टू आया हमारा 0.946 ठीक है। और पावर थी 1.5 की, सिंपल सी बात है, हाफ है। हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर डिवाइड करें तो हमारा यानी डिवाइड क्या करें, पहले यानी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे 2, पहले डिवाइड कर लेते, ठीक है, देख लेते हैं वो तो 2940 मल्टीप्लाई बाई 0.47 0.946 और इसका हमें फिर रूट कर देंगे, क्योंकि ये पावर है, अभी मैंने बताया था रूट होती है, ठीक है, तो हम कर देंगे इसको 1381.6, ठीक है, डिवाइड बाई 0.946 इज इक्वल टू आइए रूट कर दो इसका, तो रूट करने पर हमारा आया 38.21 मीटर पर सेकंड। ये हमारी मैक्सिमम 38.2 मार्क, ठीक है, तो जो हमारी आई मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है, तो परमिसिबल जो मैक्सिमम स्पीड थी वो हमारी आई है निकल के, ठीक है। अब आगे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बताया उसको कर लेते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। ठीक है, 5.12 सी थी, 5.15 सीजन लिया था मैंने नहीं, तो देखो मैंने लिया नहीं, लेकिन फीवर 5.15 है, मैं 5.15 क्या कह रहा है, जब बना लेंगे ए वुडन ब्लॉक और मास को, वुडन ब्लॉक है मास एंड 2 kg, ठीक है, 2 kg है, रेस्टेस ऑन अ सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ठीक है, वेन एन आयरन सिलेंडर, जो आयरन सिलेंडर है हमारा, ठीक है, आयरन सिलेंडर और मास 25 kg, आयरन सिलेंडर मान लो 25 kg मास इसका, इसका कितना था 2 kg, इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक के टॉप पे रखा गया, टॉप पे रखेगा तो कुछ ये ऐसे बनाएगा, सिंपल चुका दे दो, ठीक है, ऐसे तो बनाएगा ना एक केज, ठीक है। अब देखो द फ्लोर यील्ड्स स्टेडली एंड द ब्लॉक एंड द सिलेंडर टुगेदर गो डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड, यानी इसके जो एक्सेलरेशन हुआ वो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे यानी कह रहा हूँ मतलब यहाँ मान लो आप यहाँ थे और यहाँ आ गए, किस स्पीड से नीचे गए 0.1 मीटर पर सेकंड उसका, ठीक है, आए व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर, तो ए बिफोर एंड बी आफ्टर द फ्लोर यील्ड्स टेक जी 10 मीटर पर आइडेंटिफाई द एक्शन वेयर इज द प्रॉब्लम, सिंपल हमें करना है, ठीक है, तो ए है हमारा यानी कि ए हमारा तो 2 है तो न्यूटन लगेगा 10 एंड एम जी होता है 20 न्यूटन हो गया, सिंपल सी बात है, तो ठीक है, तो हम यानी 20 न्यूटन हो गया, अगर हम फोर्स मान लें, नेट फोर्स माने किसका, ब्लॉक का, तो वो 0 होगा, आर 20 न्यूटन हो गया और फोर्स नेट कितना होगा 0, ठीक है, और जो हमारी जो डायरेक्शन होगी वो वर्टिकल डाउनवर्ड हो रही है,
वर्टिकल डाउनवर्ड हो गई है हमारी डायरेक्शन, ठीक है। जब भी है हमारा बीम यानी कि किस चीज स्पीड जा रहा है, 0.1 मीटर पर सेकंड, इसका 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, ठीक है। और जो जो इसकी फ्री बॉडी है डायग्राम में, ठीक है, जो टू फोर्सेस लगाते हैं वो सिस्टम, ठीक है, टू फोर्सेस होते हैं। एक तो होता है ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ है, तो हम ग्रेविटी को मानते तो 270 न्यूटन होगा, 70 न्यूटन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। तो और द नॉर्मल फोर्स आर बाय द फ्लोर नॉट द फ्री बॉडी, ठीक है, यानी कि जो लगेगा फोर्स, जो नॉर्मल फोर्स लगेगा आर बाय द फ्लोर, फ्लोर के द्वारा लगेगा ऑन किस पर, फ्री बॉडी पर, ठीक है। डायग्राम में आप देख भी सकते हो, यानी फ्री बॉडी पे फोर्स लगेगा, फ्री बॉडी है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं यानी कि 270 माइनस आर फोर्स है इज इक्वल टू, ठीक है, 27, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई सॉरी माइनस मल्टीप्लाई 0.1, ठीक है। और जो आर है हमारा, जो आर है ठीक, वो आर कितना होगा मतलब हमारा, इसको मल्टीप्लाई 267.3 मीटर, कैसे आया, ठीक है, आर है माइनस आर करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।